वेलकम एवरीवन। आज आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कांग्रेस के बारे में। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर में कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के सेशन कौन कौन से थे, जो प्रेसिडेंट और इम्पोर्टेंट कौन कौन से अपॉइंट थे उनको देखा था। आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इससे हमारे जो भी डाउट्स है और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इसे क्लियर कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो अगली वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आंसर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड स्वराज इज माय बर्थराइट, राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसके लिए आपके 15 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम से और ये स्टार्ट। यहाँ पर कुछ गलत हो गया, फिर से एक बार कर रहे थे इस चीज़ को। यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होने से ये हो गया स्टार्ट। तो फिर किसने कहा था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हो गया आपका टाइम स्टॉप। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक, मतलब ऑप्शन डी। अगर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, और ये किस टाइम पे कहा गया था उसने, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने किस टाइम पे कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ के सेशन में कहा था, जहाँ पर आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ गए। कांग्रेस में दो डिवीजन हुआ था, एक हुआ था आपके नरम दल के नेता और एक हुआ था आपका गरम दल के नेता, मॉडरेट और रेवोल्यूशनरी, वो भी एक साथ मिल गए थे। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ मिल गए थे 1916 में लखनऊ में। वहाँ पर प्रेसिडेंट पद थे, प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये हुआ था 1916 के लखनऊ सेशन में, जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर 3 टाइम्स, दादा भाई नायडू जी, राजबिहारी घोष, मोतीलाल नेहरू और एस एन बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, दादा भाई नायडू जी, राजबिहारी घोष, मोतीलाल नेहरू या फिर एस एन बनर्जी। इसके लिए आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट और ये स्टार्ट। इनको 3 बार चुना गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, दादा भाई नायडू जी, राजबिहारी घोष, मोतीलाल नेहरू या एस एन बनर्जी। तो ये हो गया आपका टाइम सर। इसमें सही आंसर होगा दादा भाई नायडू जी। दादा भाई नायडू जी को 3 बार चूज किया गया था। पहला चूज किया गया था 1886 में, फिर 1903 में और चूज किया गया था 1906 में। 1886 में उन्हें सेकेंड टाइम चूज किया गया था। फर्स्ट टाइम कांग्रेस का सेशन हुआ था 1885 में और सेकेंड टाइम 1886 में दादा भाई नायडू जी को चूज किया गया था एज द प्रेसिडेंट। कांग्रेस प्रेसिडेंट सेड आई एम अ सोशलिस्ट, जेल नेहरू, एस सी बोस, गांधी जी या फिर तिलक। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा मैं एक समाजवादी हूँ, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। ये आपके 15 सेकेंड्स का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। तो किस कांग्रेस के लीडर ने कहा था, प्रेसिडेंट ने, कि आई एम अ सोशलिस्ट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या फिर तिलक। यहाँ पर हो गया आपका टाइम सर। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। ए कांग्रेस प्रेसिडेंट हु कंडक्टेड नेगोशिएशन विद स्क्रिप्स मिशन एंड वेवेल एट शिमला कॉन्फ्रेंस वाज जे नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जे बी कृपलानी और सी राजगोपालचारी। शिमला सम्मेलन में क्रिप्स मिशन और वेवेल के साथ बातचीत करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष थे
जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी या फिर सी राजगोपाल जी। यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होता है स्टार्ट स्टार्ट। यहाँ पर कृपलानी सर का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे। आपको दो इवेंट का टाइम पता होना चाहिए। यहाँ हो गया टाइम्स अप। तो फिर इसका सही आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जैसा कि आपको पता ही होगा कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे, जितने भी प्रेसिडेंट थे उनमें से सबसे यंगेस्ट थे, और इनका टाइम पीरियड था 1940 से 1945। उसी बीच हुआ था ये, पहले हुआ था क्रिस मिशन 42 में, और फिर हुआ था आपका शिमला कॉन्फ्रेंस 45 में। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस टाइम थे अब्दुल कलाम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर बीपी चंद्र पाल। बीपी चंद्र पाल से स्टार्ट। इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं थे, गोपाल कृष्ण मूर्ति, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर बीपी चंद्र पाल। आपको पता ही है कांग्रेस में दो डिवीजन थे, एक से रेवोल्यूशनरी और फिर मदर। यहाँ पे हो गया आपका टाइम सर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बीपी चंद्र पाल। आपको पता ही होगा बाघ आल और लाल पर चाय होता, तो रेवोल्यूशन लीडर्स थे। बाल से यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक, आल से बीपी चंद्र पाल, और लाल से लाला लाजपत राय। इन तीनों ने लीड किया था रेवोल्यूशन लीडर्स जितने भी थे कांग्रेस में, सबको लीड किया था इन तीनों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयटी ऑफ लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लैंसडाउन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वाइसराय के द्वारा अनुभूत थी। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। ये आपका 15 सेकेंड्स का टाइम हो गया सेट, और ये स्टार्ट। तो वाइसराय कब थे, 1885 में। 1885 में इंडिया के वाइसराय कौन बने थे। तो यहाँ पर होता है आपका टाइम्स अप। 1885 में इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। आप इस बात से याद रख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बना के एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी उन्होंने, बीच में ब्रिटिशर्स थे इसलिए डफर था वो लॉर्ड डफरिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या है। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, नन ऑफ द अबव। अंग्रेज के अधीन भारत से धन की निकासी का सिद्धांत पहली बार तैयार किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसीलिए आपको 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट, और ये स्टार्ट। तो पहला ये किसने दिया था थ्योरी ऑफ ग्रेन ऑफ वेल्थ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर हो गया टाइम्स अप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी ने दिया था। ये थ्योरी ऑफ ग्रेन ऑफ वेल्थ, ये ग्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, इसमें कहा गया कि इंग्लिश ने ब्रिटिशर्स ने जितना भी इंडिया में काम किया वो सब इंडिया के वेल्थ को अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए यूज करने के लिए किया है, और जब से ब्रिटिशर्स आए हैं इंडिया का सिर्फ बुरा ही हुआ है, वही दिखाया गया था ये ग्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में, और इसको एक्सेप्ट किया गया था कैलकाटा कांग्रेस में।
1896 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकाटा में, और वहां पर प्रेसिडेंट थे आपके रही तुल्ला मोहम्मद सयान। 1896 जब कैलकाटा में आपका चल रहा था कांग्रेस का सेशन और प्रेसिडेंट थे आपके रहमतुल्ला मोहम्मद सयानी, वहां पर एक्सेप्ट किया था दादा भाई नौरोजी का ये स्टेटमेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो ये थ्योरी है वो एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कांग्रेस डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे इन द मीटिंग एट कैलकाटा, बॉम्बे, लाहौर या फिर मद्रास। कांग्रेस के बैठक में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, कैलकाटा, बॉम्बे, लाहौर या फिर मद्रास। इसके लिए आपके 15 सेकंड का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। तो कौन से सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा एज इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर हो गया आपका टाइम सब, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर। लाहौर में डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को इंडिया को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, तो उसके लिए टोटल इंडिपेंडेंस किया जाएगा। ये हुआ था 1929 में, और जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे कांग्रेस के वो बने थे नेहरू। नेहरू प्रेसिडेंट बने थे 1929 के लाहौर के सेशन के कांग्रेस में, और वहां पर डिसाइड किया गया था 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ए ओ ह्यू, वेडेरवार, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ए ओ ह्यू, वेडेरवार, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। ये आपके 15 सेकेंड्स का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। तो पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, ए ओ ह्यू, वेडेरवार, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। ये हो गया आपका टाइम्स अप, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे पहले प्रेसिडेंट। ए ओ ह्यू की बात की जाए तो वो थे फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो बने थे चीफ सेक्रेटरी, पहले सेशन में वो थे चीफ सेक्रेटरी, और प्रेसिडेंट बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट मौलाना आजाद, जेल नेहरू, सुभाष बोस, सीतारामैया। राष्ट्रपति के रूप में चुने गए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में मौलाना आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सीतारामैया। इसके लिए आपके 15 सेकंड्स का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। तो हरिपुरा के सेशन में बहुत कुछ हुआ था, वो मैंने पहले कांग्रेस सेशन जो पढ़ाया था उसमें दिखा दिया था आपको, वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा उस चैप्टर में जाने के लिए, अगर आपका मन हो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, उनको सेकेंड टाइम इलेक्ट किया गया था, और गांधी जी के मतलब गांधी जी सजेस्ट नहीं कर रहे थे, गांधी जी चाहते थे सीतारामैया प्रेसिडेंट बने, पर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारा हल्ला हुआ था कांग्रेस के अंदर, वो सब आप उसी चैप्टर में देख सकते हैं जिसका लिंक मैं लास्ट में आपको दे दूंगा। वो रिडिक्यूल द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इसने भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस को लोगों की सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में उपहास किया, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इसके लिए आपके 15 सेकंड का टाइम होता है स्टार्ट, सेट हो गया स्टार्ट। इसने ये चीज कहा था कि कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल,
ये हो गया आपका टाइम्स अप। ये चीज कहा था लॉर्ड डफरिन ने। In this session of the Indian National Congress, did the conflict between the moderates and the extremists reach its climax? Calcutta, Bombay, Surat या फिर Madras? भारत के किस क्षेत्र में National Congress ने मध्यम और चरमपंथियों के बीच संघर्ष किया था? कैलकाटा, बॉम्बे, सूरत या फिर मद्रास? ये आपके 15 सेकेंड्स टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। तो कहां पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे? ये हो गया आपका टाइम्स अप। तो आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए क्यों किया था। 1905 में बंगाल का डिवीजन हो गया था। बंगाल का जैसे डिवीजन हो गया था तब एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज में काफी झगड़ा होने लगा कि अब कांग्रेस को एक्सट्रीम तरीके लेने होंगे रेवोल्यूशन के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाया जा सके। इसके लिए काफी झगड़ा हुआ था। और 1907 में जब कांग्रेस सेशन चल रहा था सूरत में, तब ये डिसाइड किया गया था मॉडरेट्स के तरफ से कि राजबिहारी घोष को बनाया जाएगा लीडर, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, क्योंकि राजबिहारी घोष एक मॉडरेट लीडर थे। पर एक्सट्रीमिस्ट ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लाला लाजपत राय को लीडर बनाया जाए। अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो मेनली आपके बाल गंगाधर तिलक और श्री अरबिंदो घोष ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय को लीडर बनाया जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था और चप्पल एक दूसरे पे फेंका भी गया था सूरत में। तब ये डिसाइड किया गया था कि दोनों टीम एक साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए दोनों को अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज रेस्ट? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या फिर बॉम्बे? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस क्षेत्र में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी? ये तो आपको पता ही होगा, ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया पर सेम चीज है। स्टार्ट। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज रेस्ट? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या फिर बॉम्बे? ये हो गया आपका टाइम्स अप। इसमें सही आंसर होगा वो बताइए कि लाहौर में हुआ था टोटल इंडिपेंडेंस के लिए, जहां पर डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी हम लोग का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन है वो लिखा था आपके गांधी जी ने, पर उस चीज को पढ़ा था आपने जवाहरलाल नेहरू ने। और उसी कांग्रेस के सेशन में आपकी जो लेबर विंग है AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस के मेन विंग से अलग हो गई थी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे क्षेत्र सत्र की अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता? यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स होते सेट और स्टार्ट। तो जिन्होंने लीडर बने थे सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता? ये हो गया आपका टाइम्स अप। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी जो बने थे सेकंड प्रेसिडेंट कलकत्ता में। पहले प्रेसिडेंट बने थे आपके WC बनर्जी और तीसरे प्रेसिडेंट बने थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर फिरोज शाह मेहता की बात की जाए तो फिर फिरोज शाह मेहता, जैसे मैंने बताया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो गए थे,
इसका एक मेन कारण आपके फिरोज शाह मेहता भी थे। फिरोज शाह मेहता मॉडरेट लीडर्स में वो थे जिन्होंने पूरे कांग्रेस को अलग किया था। फिरोज शाह मेहता जैसे और भी कुछ लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने जिन्होंने इंडिया में रखा था ताकि इंडिया को अंदर से डिवाइड किया जा सके। फिरोज शाह मेहता ने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया था और वो जब तक जिंदा थे तब तक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग रखा गया था और कांग्रेस को तोड़ा गया था ताकि उनकी पावर कम हो सके। फिर क्वेश्चन आता, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर अरुणा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर अरुणा? ये आपके 15 सेकंड्स के टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। अगर बोलता है कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी तब एक आंसर होगा, और अगर पूछते कि पहली महिला इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी तब अलग आंसर होता है। तो यहाँ पर सिंपली ये पूछा है कि पहला महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो पहला महिला प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी आपके 1917 के सेशन में जो हुआ था आपके कलकत्ता में। और अगर यही भी पूछता पहला इंडियन महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी तो आपका आंसर होता सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बनी थी आपकी 1925 के कानपुर सेशन में। ये आप इस बात से याद रख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले बार कोई इंडियन महिला प्रेसिडेंट बनी थी, इसलिए सभी के कान में तक ये बात पहुंच गई थी। ये इसलिए हुआ था ये कानपुर में। ऐसे आप छोटे छोटे बात से याद रख सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स ना बनाए तब एग्जाम में प्रॉब्लम होता है। तो पहला महिला प्रेसिडेंट अगर पूछे एनी बेसेंट, पहला अगर इंडियन महिला प्रेसिडेंट पूछे तो फिर सरोजिनी नायडू। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? जब भारत आजाद हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? तो यहाँ पर आपके 15 सेकंड्स के टाइम होता है सेट और स्टार्ट। इंडिया के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? यहाँ पर होता है आपका 15 सेकंड का टाइम है, इसमें सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर इलाहाबाद? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला क्षेत्र आयोजित किया गया था कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर इलाहाबाद? इसके लिए आपका 15 सेकंड का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। तो कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर इलाहाबाद? ये होगी आपका टाइम सब। तो अगर देखा जाए कि पहला सेशन हुआ था ऑप्शन बी आपका बॉम्बे में, फर्स्ट सेशन, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होगा, द फर्स्ट सेशन ऑप्शन बी होगा, ये होगा बॉम्बे में। और उसके बाद सेकेंड में हुआ था आपके कलकत्ता में, थर्ड में हुआ था आपके मद्रास में, फोर्थ में हुआ था इलाहाबाद में। तो ये हुआ था पहला कांग्रेस सेशन आपके बॉम्बे में, सेकेंड हुआ था आपके कलकत्ता में, थर्ड हुआ था आपके मद्रास में और फोर्थ हुआ था आपके इलाहाबाद। जैसा आप देख पा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस चाह रही थी कि वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाए, इसलिए उन्होंने हर एक साल अलग अलग जगह पे अपना सेशन रखा था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? 1883, 1885, 1891 या फिर 1905? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1883, 1885, 1891 या फिर 1905? यहाँ पर आपके 15 सेकंड्स का टाइम होता है सेट और ये स्टार्ट। तो पहला कौन सा साल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1883, 1885, 1891 या फिर 1905?
यहाँ पर होता है आपका टाइम स्टॉप। इसका सही आंसर है 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले बनाया था 1885 में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये तो आप सबको पता ही होगा, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर एओ ह्यू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर एओ ह्यू। ये होता है आपका 15 सेकंड के टाइम से स्टार्ट। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर एओ ह्यू। ये होता है आपका टाइम्स अप। इसका तो आंसर आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन ए डब्ल्यूसी बनर्जी या फिर उमेश चंद्र बनर्जी। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो फिर धन्यवाद, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आप अगर इंडियन कांग्रेस के पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर इंडियन कांग्रेस का दूसरे चैप्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।